हेल्दी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में खुश होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। मैं भी बिल्कुल खुश हूँ, हेल्दी हूँ और आप लोगों के साथ फिर से मैं वीडियो लेके आई हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरे चैनल पे मैं हमेशा आपको हेल्दी टिप्स देती रहती हूँ, कैसे मैंने 32 किलो आसानी से कम किए, कैसे मैं काली मोटी भैंस से और अब अपने आप को हेल्दी फिट कर चुकी हूँ, कैसे मैंने 44 की कमर को अब अपने बिल्कुल शेप में लेके आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर हम मेहनत करते हैं तो। मैंने कोई जिम नहीं किया, मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, कोई भी खाना मैंने नहीं छोड़ा है। घर का खाना खाया है, हेल्दी खाया है और हेल्दी तरीके से मैंने अपना वेट कम किया है। मुझे बहुत सारे क्वेरीज आती है कि दी आपकी स्किन डे बाय डे बहुत ज्यादा ग्लो करती जा रही है, हम आपका वीडियोस पहले भी देखते थे, पहले आपकी स्किन इतनी हेल्दी नहीं थी, हमें भी कुछ टिप्स बताइए। बिल्कुल बताती हूँ, पांच टिप्स, बिल्कुल पांच चीजें आप कर लीजिए आपकी स्किन बिना मेकअप के। आप मेरी स्किन देख सकते हो, बिना मेकअप के मेरी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करनी शुरू कर दी है। हल्की सी लिपस्टिक वगैरह तो लगाई हुई है पर मैंने कोई फेस पे प्रोडक्ट वगैरह नहीं यूज किया। और पहले मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स वगैरह फ्रेंड्स यूज करती थी तो भी मेरे फेस पे पैचीनेस आनी शुरू हो जाती थी, ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती थी और एक्ने बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए थे। तो वो कौन सी टिप्स हैं जिससे मैंने अपने आप को फिट कर लिया, अपनी स्किन को इतना ज्यादा ग्लो कर लिया? पहली चीज, पानी का इनटेक। पहली चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी कोई आपके पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। प्लीज फ्रेंड्स, ये मैं आपको सीरियसली हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, पानी का इनटेक प्रॉपर रखिए। अगर आप 14-15 गिलास अपने प्रॉपर पीते हो, वो भी आपने एक झटके से नहीं पीने, आपको बिल्कुल सिप सिप करके घूंट घूंट करके ही पानी पीना है। दिन की शुरुआत बिल्कुल सिंपल पानी से, कोई आपने गर्म पानी नहीं पीना, कुछ नहीं पीना, सिंपल रूम टेम्परेचर का पानी आपने लेना है और 1 लीटर पानी आपने नीचे बैठ के घूंट घूंट करके पीना है। नीचे बैठ के इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप नीचे बैठ के जब पियोगे तो आपकी गट हेल्थ सुधरती है और आप अच्छी से फ्रेशन अप हो पाते हो। और अगर आप वेट डेली चेक करते हो, आफ्टर फ्रेशन अप के बाद ही अपना वेट चेक कीजिए। अगर आप फ्रेश नहीं हुए तो प्लीज अपना वेट चेक मत किया कीजिए, क्योंकि डिमोटिवेशन अंदर से आती है। सेकंड टिप, खाना चबा चबा के खाना है, क्योंकि खाने को जब हम जल्दबाजी में खाते हैं तो उससे हमारे जो गट हेल्थ है वो बिगड़ती है, ब्लोटिंग बढ़ती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से फेस पे एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं, पीसीओडी बढ़ जाता है, थायराइड आ जाता है, शुगर हो जाता है। ये सब बीमारियां हमारे पेट से ही बनती है तो इसलिए आपने खाना हमेशा चबा के खाना है, छोटी बाइट्स ही हमेशा लेनी है। जितनी छोटी बाइट हो सकती है उतनी आपने लेनी है और उसे अच्छी तरह से इंजॉय करके चबा चबा के बिल्कुल दांतों से उसका पेस्ट बना दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पानी हो जाए। जब वो बिल्कुल पानी हो जाए तो उसे अंदर कीजिए। आप कहोगे इतना टाइम किसके पास होता है? अपनी स्किन पे अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिजल्ट देखने हैं, बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करना, तो ये कुछ टिप्स तो आपको करने ही पड़ेगी। अपने खाने को 25 से 30 मिनट तो फ्रेंड्स आपको देने ही देने होंगे। थर्ड स्टेप, आपको अपने आप को अगर हेल्दी तरीके से, अगर आपको अपना इनर सोल भी हेल्दी करनी है तो आपको वीक में एक दिन सोल्ट फ्री जरूर करना है। फ्रेंड्स मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, सोल्ट फ्री से आपके इंचेस भी बहुत अच्छे खासे कम होंगे और दूसरी बात, जब आप सोल्ट फ्री करते हो उसके बाद आपकी बॉडी इतनी अच्छी तरह से क्लीन होती है, इतनी अंदर से इतनी पॉजिटिविटी आती है, आपकी बॉडी इतनी अच्छी तरह से टॉक्सिन से फ्री होती है। क्योंकि जिस दिन आप सोल्ट फ्री करते हो उस दिन आप बार बार वॉशरूम में जाते हो, आप ये चीज फील करके देखना और आपकी बॉडी के अंदर ना एक अलग सा ऑरा अपने आसपास फील करोगे जिस दिन आप सोल्ट फ्री करते हो। और आपकी स्किन पे जो पफिनेस होती है, जो आपके स्किन के एक्ने वगैरह होते हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाएंगे। एकदम से मैजिक नहीं होता, धीरे धीरे अगर इन चीजों को आप करोगे,
उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज होगा। फ्रेंड्स, जब आप पूरा महीना खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो, तो महीने में एक दो दिन खुद को फास्ट पे जरूर रखा कीजिए, उपवास किया कीजिए। कुछ और नहीं, ये सोच के किया कीजिए, सिर्फ भगवान हमारे खुश हो जाएंगे, हमारा रब हमसे खुश हो जाएगा, ये सोच के किया कीजिए। पर लेकिन आप ये चीज फील करना, जिस दिन आप उपवास करते हो, फास्ट करते हो, उस दिन आपके बॉडी में से बैड टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा निकलते हैं और आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। वो पॉजिटिविटी जब अंदर से आती है तो वो आपके फेस पे दिखती है। तो ये चीजें आपको फ्रेंड्स बिल्कुल करनी है, जिससे आपकी स्किन डे बाय डे आपकी इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जितना मर्जी आप ट्रीटमेंट फेस पे करवा लीजिए, लेकिन आप जब तक अंदर से पॉजिटिव इंसान नहीं हो, अंदर से आपकी बॉडी क्लीन नहीं है, उन चीजों का फायदा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप पार्लर में जाके या कहीं भी जाके आप अपने आप को कुछ टाइम के लिए मतलब गोरा दिखा सकते हो, स्किन को थोड़ा सा चमक दिखा सकते हो, पर दोबारा से जब आप अपना मेकअप उतारते हो, उसके बाद वो आपकी जो एक्चुअल में आपकी स्किन है वो दिखाई देती है, और उससे बहुत ज्यादा फिर आपको नेगेटिविटी आती है, आपको बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। जब आपकी स्किन पे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, 20 की एज में भी आप जब 30 के लगने शुरू हो जाते हैं, और कोई 40 की एज में भी 20 की स्किन उनकी होती है, तो कितने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स उनको मिलते हैं फ्रेंड्स। तो ये चीजें आपको करनी है। फोर्थ चीज, तीन चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। फोर्थ, आपको अपने खाने में फाइबर का इंटेक बहुत ज्यादा रखना है। फाइबर आपने बहुत ज्यादा लेना है। फाइबर मीन्स टू से आपको सैलेड बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना है। आपने खीरा, ककड़ी, टमाटर और अनियंस को भी जरूर आपने चबा चबा के खाना है। कई लोगों को अनियन से प्रॉब्लम होती है तो वो थोड़ा कम ले सकते हैं, पर फ्रेंड्स कच्चा प्याज खाने से भी हमारी जो बॉडी है बहुत हेल्दी होती है। कच्चा टमाटर खाने से भी हमारी बॉडी बहुत अच्छी होती है। छिलका उतार दीजिए और अंदर से सीड्स वगैरह निकाल दीजिए, क्योंकि सीड्स हम खाते हैं उससे स्टोन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स आपको ये चीजें देखने, खीरा खाइए, अगर आप खीरा भी खा रहे हो बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के आपने खाना है। जितना अच्छी तरह से आप चबा चबा के खाते हो तो आपका जो दांतों से ही आप उसका जूस निकालते, उससे भी आपकी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करनी शुरू कर देती है, क्योंकि पानी भी आपने बहुत अच्छा लिया, खाना भी आपने बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के खाया है, और आप अपनी जो ये लस्सी, दही वगैरह ये सब चीजें, इनका इनटेक भी बहुत अच्छा कर रहे हो, अपने आप को बिल्कुल बैलेंस करके खाना दे रहे हो, अपने आप को वॉक पे भी लेके जा रहे हो, खुश रख रहे हो। इन सब चीजों के ऊपर जब आप वर्क करते हो, आप देखना आप नेचुरली ग्लो करना शुरू कर दोगे। और आपको एक और चीज, उसके बाद आपने ऑयल पुलिंग, फिफ्थ, आपने खाली पेट मॉर्निंग में ऑयल पुलिंग जरूर करनी है। पहले 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर 10 मिनट होगी। आप ऑलिव ऑयल से भी कर सकते हो, सेसमे सीड से भी कर सकते हो, कोकोनट ऑयल से भी कर सकते हो। कहीं कहते हैं कि मैम क्या हम सरसों के तेल से भी कर सकते हैं? अरे बहुत मुश्किल है, मैं तो नहीं कर पाई थी, अगर आप कर सकते हो तो, पर वैसे मत कीजिए। इससे अच्छा है आपके पास कोई भी ऑयल नहीं है, आप कच्चे मिल्क से भी ऑयल पुलिंग कर सकते हो। पर कभी कभी आपने ऑयल पुलिंग जब करते हो, जब आपको स्पिट करते हो 15-20 मिनट के बाद, आप जब थूकते हो तो आप देखना कि वो झाग सा बन जाता है, क्योंकि मुंह में हम पूरा घुमाते हैं तो हमारे फेस के मतलब जो होती है, जो अंदर की मांसपेशियां होती है वो एक्सरसाइज होती है, उससे भी फेस बहुत अच्छा ग्लो करता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने रेगुलर रूटीन में शामिल करनी है। जो आपकी फ्रेश पत्तियां होती हैं, कड़ी पत्ता हो गया, आपके अमरूद की पत्तियां हो गई, पुदीने की पत्तियां हो गई, तुलसी हो गया, इनको बहुत अच्छी तरह से चबा चबा के डेली खाया कीजिए। फिर देखना जादू, आपकी स्किन भी मेरी तरह बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। डे बाय डे आप भी ग्लो करना शुरू हो जाओगे। और स्किन पे कुछ मत यूज किया कीजिए, घरेलू चीजें यूज किया कीजिए, क्योंकि जब आप अंदर से हेल्दी होते हो तो आपकी स्किन पे ग्लो डे बाय डे आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए
हेल्दी रहना है, फिट रहना है और हमेशा खुश रहना है। जब हम खुश रहते हैं, हम आपको एक बताऊं, मुझे कईयों ने कहा था आप हमेशा खुश रहती हो। मैं हमेशा खुश इसलिए भी रहती हूँ, जब हम स्माइल करते हैं तो भी हमारा फैट बर्न होता है फ्रेंड्स। हंसने से भी हमारा फैट बर्न होता है, तो इसलिए हंसा कीजिए ये सोच के कि इससे फैट बर्न हो रहा है। तो इससे हमारी मांसपेशियां भी हमारी स्ट्रोंग होती हैं और हमारी एक्सरसाइज भी अच्छी होती है, हमारे अंदर चमक आती है। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। आगे भी मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही हेल्दी हेल्दी टिप्स लेके आती रहूंगी। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और अपने प्यार सपोर्ट लाइक करदा कीजिए और शेयर का बटन जरूर दिया किया कीजिए और आप लोगों तक मेरे वीडियोस पहुंचाया कीजिए। जो घर पे बैठ के बिना जिम के, बिना एक्सरसाइज के, बिना ज्यादा खर्चा किए अपने आप को हेल्दी भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, अपने इंचेस भी बहुत अच्छे खासे कम कर सकते हैं और अपने आप को ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय टू ऑल।